वाटोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पीटा की कार्रवाई की है, जिसमें महिलाओं को पैसों का लालच देकर देह व्यापार के लिए प्रवृत्त करने पर जुर्म में सुशीला उर्फ शांताबाई गेड़ाम, राजेंद्र लहू गेड़ाम, लहू महादेव गेड़ाम, इन तीनों आरोपियों को सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने हिरासत में लिया, साथ ही एक पीड़िता को छुड़ाया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वाटोड़ा परिसर में महिलाओं को पैसों का अमिष देकर देह व्यापार किया जाता है। पुलिस ने इसी जानकारी के आधार पर चाल बिछाकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुन्हे शाखेचे पुलिस उपायुक्त श्री राजमने सर यांना काही दिवसांपूर्वी खबर मिळाली होती की पोस्टे वाटोड़ा हद्दीमध्ये विठोबा नगर आहे, त्या ठिकाणी आरोपी नामे लहू गेडाम, त्याचा मुलगा राजेंद्र गेडाम आणि त्याची पत्नी सुशीला उर्फ शांता गेडाम हे स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरता तरुणींकडून देह व्यापार करून घेत आहेत। अशी माहिती मिळाल्यावरून राजमाने साहेबांनी सामाजिक सुरक्षा पथकाला त्याबाबत कारवाई करण्याचे आणि शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले होते। त्याप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा पथकाने त्या ठिकाणी शहानिशा केली आणि खात्री पटल्यानंतर आपण एक पद्धतशीरपणे सापळा रचला आज आणि आपण पंटरला पाठवून त्या ठिकाणी सौदा केला आणि एका तरुणीचा सौदा केला आणि त्या ठिकाणी आपण रेड करून त्या तरुणीला तिथून मुक्तता केली तिची आणि तीन आरोपींना अटक केलेला आहे आणि त्यांच्यावर वाठोडा पोलीस स्टेशनला पीटा ॲक्ट नव्हे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। बरोबर आहे, आरोपी नामे शांता उर्फ सुशीला गेडाम हिच्यावर याच पीटा कायद्यान्वये सक्करदरा आणि नंदनवन पोलीस स्टेशनला देखील गुन्हे यापूर्वी दाखल आहेत। वाटोड़ा पुलिस थाने के पीछे रहने वाले शांताबाई लहू गेडाम के घर पर पुलिस ने छापा मारकर वहां से एक पीड़िता को छुड़ाया है, साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसी न्यूज़, नागपुर।